Yo, what's happening guys, my name is Logi और आज हम फिर से वो अपनी लाइफ वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं और लेट्स गो। सर जी ने ऑलरेडी हमारे लिए यहाँ पर गेट खोल के रखा है, थैंक यू सर जी, थैंक यू। और गैस आज मैं फिर से यहाँ पर ये वॉबली लाइफ की खतरनाक स्नोवी पहाड़ों के अंदर मैं आ चुका हूँ, क्योंकि गैस बहुत टाइम पहले आपको याद होगा कि हम इस फैसिलिटी के अंदर गए थे और वहाँ पर हमें मिला था UFO। और गैस जब से हमने UFO अनलॉक किया है, हमने तब से सिर्फ एक ही बार उसको सिर्फ टेस्ट ड्राइव दिया, तो गैस मैंने सोचा कि हम सीधा जाएंगे नीचे फैसिलिटी के अंदर और फिर से अपना UFO की चाबियां वहां से लेंगे और फिर से थोड़ा बहुत उड़ाते हैं यार उसको, क्योंकि गाइस मैं अपने UFO को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। तो अगर मैं एक्चुअली यहां पर नीचे जाके देखूं तो यहां पर कोई नई चीजें आई है क्या? अगर मैं यहां से देखूं तो अच्छा एक भी नई चीज यहां पर नहीं आया, लेकिन हमारा साइंटिस्ट सर जी अभी तक वही सेम जगह पर खड़ा है। और तेरी ये तो भाई हमें भूल ही गया भाई, ये तो बोल रहा है तू कौन है भाई, तू कौन है भाई, हम तो ट्रोल हो गए यहां पर यार। तो मुझे लगता है गाइस इन्होंने हमसे अपनी UFO की चाबियां छीन लिया, भाई क्या ट्रोल साइंटिस्ट है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहां पर अपने खतरनाक हेलीकॉप्टर तो खड़े हुए, तो एक काम करते हैं मैं इन्हीं के अंदर बैठ जाता हूं और अभी हम चलते हैं गाइस मेन सिटी के अंदर। और भाई साहब क्या खतरनाक मौसम है आज तो, भाई आज तो गाइस स्काई के अंदर सिर्फ छोटे छोटे ही क्लाउड्स हैं, तो लेट्स गो। और वो रहे सामने चपाती भाई, भी मुझे डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। और चपाती भाई क्या उड़ा रहे हैं भाई? ओ चपाती भाई यहाँ पर ग्लाइडर उड़ा रहे हैं भाई, मेरे को यहाँ पर डिलीवरी देनी है पहाड़ के ऊपर। कौन सी डिलीवरी भाई? पहाड़ के ऊपर रहता कौन है? मनोज बंदे ने पहाड़ के ऊपर एक पिज्जा मंगा कर रखा है, मेरे को उसको डिलीवर करना है। अच्छा भाई जल्दी करो, आप अभी तक पिज्जा नहीं ड्रॉप कर रहे हो। अबे ठोक दोगे? अबे ठोक दिया भाई, पिज्जा भी फट गया, सड़ गया भाई पिज्जा, भाई पिज्जा ओवर कुक हो गया भाई आपकी वजह से, ठंडा पड़ गया पहाड़ों के अंदर यार। चल मेरे को लिफ्ट दे, मेरे को नीचे जाना है। ये लो भाई आ जाओ, मैं हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा हूँ, आ जाओ बैठ जाओ यार। मैं कब से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को बड़े वाले मैंशन लेना, लेकिन मैं कुछ भी ले नहीं पा रहा। यू नो कितना हार्ड हो रहा है मेरे को वो अपनी लाइफ के अंदर पैसे कमाना। हां वैसे भाई ये तो सही बात है भाई, चपाती भाई की एक काम करते भाई, स्कीम को छोड़ो, आज एक काम करते हैं हम सुबह सुबह खेलेंगे गोल्फ, क्या बोलते हो भाई? चला जा। और गाइस बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हो ये रहा गाइस अपना खतरनाक भाई $200 पर गेम का वॉबली लाइफ का गोल्फ कोर्स। तो आ जाओ भाई, ये सिर्फ रिच लोगों के लिए भाई। क्या कर रहे हो भाई, ये कैसे नीचे भाई, ऐसे नीचे जाते हैं क्या? मैं देख मैं कहां पे गिरा भाई, भाई होल के अंदर गिर गए, होल इन वन भाई। एक काम करता हूं, एक मिनट मैं भी ट्राई करता हूं भाई, हम सीधा जाएंगे एक्चुअल होल के अंदर। और गाइस मैंने यहां से सीधा छलांग मार दी और अबे यार मैं हेलीकॉप्टर से ठुक के मर गया। अच्छा एनीवेज आ जाओ शुरू करते। तो बिल्कुल सामने गाइस आप देख सकते हो वहां पर एक छोटा सा बूथ बना हुआ है और गाइस वहां से हमें लेनी है अपनी स्टिक और बॉल। तो आ जाओ रेडी हो ना भाई, आज तो भाई मैं आपको एकदम आसानी से हरा दूंगा। हरा दे यार, मेरे पास जॉब तो है नहीं, कुछ काम धंधा तो अपना है नहीं। तो ये क्या भाई? अच्छा हमें दोनों चीजों के पैसे देने पड़ते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गाइस हम लेंगे $5 की बॉल। और गाइस ये रही मेरी बॉल एकदम से रेडी है, और इसको मैं एक काम करता हूं यहां पर पहले पिन के ऊपर सेट करके आता हूं, और इसके बाद हम लेंगे $5 का पटर। तो एक काम करते ये भी अभी मैंने ले लिया, और रेडी हो ना भाई, अभी गाइस मेरे पास अपना सारा इक्विपमेंट तो आ चुका है। और चपाती भाई कहां भाग गए भाई? अंदर देख रहा तू क्या है भाई? अंदर क्या है? एक मिनट मैं आ रहा हूं। क्लब हाउस बना हुआ है यहां पर, गोल्फ बड़ा महंगा स्पोर्ट होता है भाई, इसको सिर्फ रिच बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। यहां पर इसकी की गुम चुकी है, तो हमें ये पूरी ट्रॉफी कैबिनेट अनलॉक कर सकते हैं अगर इसकी की ढूंढे तो। ये क्या भाई, लॉस्ट की टू द ट्रॉफी कैबिनेट, लास्ट सीन ऑन द मेंशन आइलैंड। ये कौन सा है भाई मेंशन आइलैंड? तो भाई यही आइलैंड है ये जो नए वाला बना है ना। एक काम करते हैं भाई आ जाओ, इसकी चाबी ढूंढते हैं भाई, सारी ट्रॉफीज हमारी हो जाएंगी। तो मतलब कि हम वो दुकानदार से ₹5 खर्च के वो गोल्फ स्टिक ले सकते हैं, या तो हम अपनी सोने की गोल्फ स्टिक अनलॉक कर सकते हैं। ब्रो मेरे को तो सोने वाली चाहिए ब्रो। फिलहाल हम यहां पर बैठते हैं भाई बेंचों से, कुछ अच्छा पिज्जा मंगाते हैं फिर खा के जाते हैं ना भाई। ओके एनीवेज एक काम करते हैं भाई, पिज्जा को छोड़ो और इस बंदे की गाड़ी पकड़ लो भाई, इस मसल गाड़ी को पकड़ लो। ओके अभी गाइस ये मसल कार मेरे हाथों के अंदर आ चुकी है, और गाइस उसने बोला था कि यहाँ पर इस छोटे से मेंशन आइलैंड के ऊपर है। तो ये जो गाइस आप छोटा सा ये आइलैंड देख रहे हो, इसी के ऊपर छुपी है ये वो गोल्डन की। ओके तो गोल्फ लोग खेलते हैं यहाँ पर वॉबली लाइफ के अंदर, बड़े बंदे रिच पीपल। तो इसका मतलब ये है कि हमें गोल्फ की ढूंढनी पड़ेगी एक बड़े सबसे बड़े मेंशन के अंदर जाके। कम ऑन भाई। तो भाई जो हमने लास्ट टाइम गाइस जो मेंशन देखे ना भाई, वो जो $10,000 के थे आए थे, वहीं पर की छुपी होगी। ब्रो मेरे को मेंशन लेने का बहुत मन करता है यार, कम ऑन यार, मेंशन तो मुझे भी लेना है लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन अगर हमने वो गोल्डन की ढूंढनी है तो हमें मेंशन के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो अभी गाइस हम फाइनली आ चुके हैं अपने मेंशन वाली जगह के अंदर। तो गाइस ये रहा अपना पहला मेंशन, और इसका दरवाजा कैसे खोलते हैं? हेलो, अबे इसका तो बाहर से दरवाजा ही बंद हो गया। तो मुझे लगता है गाइस इस मेंशन के अंदर कोई भी नहीं है, यहाँ पर साइन भी लिखा है।
यार ये। अच्छा भाई मैं तभी सोचू कि चपाती भाई, तो भाई जब आप निकले थे तो तब तो आप गाड़ी के अंदर ही थे भाई, अब अचानक गाड़ी से बाहर कैसे निकल गए? मत कर। एक और, अगर मैं इसके पास गाड़ी लेकर आऊँ तब ये खुलेगा? अच्छा ये नहीं खुलता, तो मुझे लगता है गाइस इसके अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर जूनना पड़ेगा एक हेलीकॉप्टर। वो मित्र हेलीकॉप्टर लेके जाना, कम ऑन। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, मेरे सामने खड़े ना। अच्छा भाई ये तो प्लेन आ गया, लेकिन सामने बैठा ना भाई अपना अकूला वाला जहाज। भाई ये वाला जहाज तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार भाई, ये तो GTA 5 का अवेंजर जहाज है ब्रो। अगर ये वाला जहाज वहाँ पर लैंडिंग करेगा तो पूरे मुल्क को पता लग जाएगा कि तू इन्वेजन कर रहा है वहाँ पर। मैं इन्वेजन नहीं कर रहा हूँ भाई, सबको पता लग जाएगा कि मैं सबसे रिचेस्ट बंदा हूँ। ये पहले जगह नहीं थी ये वाली? कौन सी? ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है ये अरीना। अच्छा भाई कौन सी भाई ये चीज? भाई ये मैंशन बना है यहाँ पर। अच्छा इतना बड़ा मैंशन है, मेरे को पता नहीं है भाई। चपाती को लगा यहाँ पर भाई प्ले एरिया बन रहा है। ओके ऊपर जाकर देख सबसे बड़ा मैंशन कौन सा है, क्योंकि की उसी के अंदर ही होनी चाहिए। ये भाई डेफिनेटली, तो भाई फिलहाल तो मुझे यही वाला लग रहा है। नहीं सबसे बड़ा ये वाला, देखो कितना बड़ा गार्डन है वो, देख रहा है कितना मोटा गार्डन है भाई उसका। और भाई लेकिन ये तो हॉन्टेड हाउस लग रहा है। इसकी आप लोग घर के अंदर चेस खेलते हैं, ये गार्डन के अंदर चेस खेल रहा है वो, देख रहा तू भाई? ये तो ये भाई यही तो होती है भाई रिच लोगों की शान। आई थिंक लॉगी इस मेज के अंदर की बनी होगी कहीं ना कहीं। ओ ये भाई ऐसा हो सकता है, तो एक काम करते हैं गाइस, अभी मैंने यहाँ पर लैंडिंग मार दी और अभी चलते हैं सीधा मेज के अंदर। और ये कौन सी चीज है ये देखो, यहाँ पर खुले में सोना रखा है भाई। इतने रिच लोग कि ऐसे खुले में इन्होंने सोना छोड़ दिया। और ये चेस एक्चुअली खेल सकते हैं? अरे हम एक्चुअली खेल सकते हैं चेस, लेकिन गाइस मुझे चेस खेलनी आती नहीं है, तो इसको फिलहाल हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके अंदर जा, अंदर जा। और अभी हम जाएंगे मेज के अंदर। और मुझे याद है भाई मैंने एक टाइम चपाती भाई के साथ यहाँ पर हाइड एंड सीक खेली थी, वो भी GTA 5 के अंदर मेज में। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बना कर रखे, नाइस है यार, मतलब पूरा मैप ही चख लिया GTA 5 का, नाइस है। वैसे ये एकदम सही है भाई, क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ से दिख रहा है कि मैं किस तरफ मुझे जाना है। तो मुझे लगता है अगर उन्होंने यहाँ पर की छुपाई होगी तो आई थिंक यहाँ पर कई बेंचेस के नीचे होगी, तो अगर मैं ये वाला बेंच चख के देखूं तो अच्छा इसके नीचे तो कोई भी नहीं है। खुद को बाहुबली समझ रहा है क्या भाई? सारे बेंचेस चख ले तूने तो यार। भाई मैंने अभी यहाँ पर सारे बेंचेस चख लेने हैं। अरे वहाँ पर भी एक बेंच पड़ा हुआ है और मुझे व्हाट है, उसके नीचे कुछ पड़ा है वो देख रहे हो ना? अगर मैं जंप करके देखूं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो गाइस मुझे जल्दी से गाइस मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा उस बेंच तक। और मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ पे कैसे आ गया भाई मेज के ऊपर? ये चपाती भाई ने मुझे लगता है यहाँ पर लैंडिंग मारी है। और डाल ले हेलीकॉप्टर के अंदर लस्सी। और ये रही भाई उसकी बेंच, तो ये रहा, तो मैं बेंच सारा से चक्के से फेंक लेता हूँ भाई। आज तो हम सोने के गोल्फ। ये रही भाई ये की, भाई मुझे की मिल चुकी है। और आ जाओ भाई अभी गाइस मुझे जल्दी से उस गोल्फ वाली अलमारी के पास जाना है। तू लेके कैसे जाएगा? मैं तो गेम के अंदर हूँ भी नहीं, रुक मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे जल्दी करो जल्दी करो। अरे चाबी नीचे गिर गई। अबे यार गाइस सीधा चाबी पानी के नीचे गिर गई। ओह माय गॉड, और तेरे को पता तू पानी के अंदर जा भी नहीं सकता, नूपड़े कहीं के। तेरे को मैंने बोल के रखा था कि जहाज के दरवाजे बंद कर लिया कर। एक मिनट, मुझे लगता है वो फिर से यहाँ पर रिस्पोन हो गई होगी, मैं जाके देखता हूँ। कहाँ से जाना बाहर यार? भाई जल्दी करो भाई, अब क्या सर मार रहे हो भाई बुशेस के अंदर? जल्दी करो यहाँ से राइट ले लो। ओके भाई अभी सीधा भाई चपाती भाई की भाई क्या टैक्टिक है, मैं उनको सीधा बोल रहा हूँ वो पीछे जा रहे हैं। ओके यहाँ से लेफ्ट ले लो, सीधा जाओ यहाँ से राइट ले लो, राइट ले लो भाई। ओके भाई लेट्स गो, फाइनली गाइस चपाती भाई बार आ गए। इधर है, अबे जल्दी आ रहा भाई, ये रहा बार का रास्ता। यहाँ पे तू जहाज लैंड कर दे, यहाँ पे बहुत जगह। ये देखो भाई मैंने यहाँ पे लैंड कर दिया भाई बुशेस के पास, जल्दी आ जाओ भाई। आपने एक हाथ से भाई प्लेन पकड़ दिया, एक हाथ से की जहाज से पकड़ा ही नहीं। इधर लेके जहाज पकड़ो ना भाई, क्या कर रहे हो? जहाज पकड़ो, चल बेटे। ओके और चाबी एकदम से सही से पकड़नी है भाई, एकदम से आपका हार स्लिप नहीं होना चाहिए। सीधा गोल्फ कोर्स में जाके आज हम सोने के क्लब से गोल्फ खेलेंगे भाई। मुझे पता है भाई गोल्फ क्लब मुझे ही देंगे भाई, क्योंकि भाई मैं ही रिलायबल आदमी हूँ। बारी भाई बोलेगा एक वीडियो के अंदर, तेरे को 10 बारी बोल चुका कंट्रोल में करके। सॉरी सॉरी सॉरी। हां फिर उसकी दुकान। ओके ये रही उसकी दुकान, अबे वो दुकान नहीं है, क्लब हाउस है, क्लब हाउस। वही तो भाई क्लब हाउस है। और एकदम से स्लोली स्लोली गाइस हमें यहां पर लैंडिंग मारनी है। और एकदम से अबे भाई मैं तो ऊपर जा रहा हूं, कम ऑन लगे आज अंदर। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। और खोल दो और मारी को। अरे हां हां मैं ये मैं ले लेता हूं, मैं सारी ट्रॉफियां हमारी जेब में। अबे पीछे हटो, ये मेरा है, लेट्स गो। और आ जाओ अभी गोल्फ खेलते हैं ब्रो, इससे तो एक ही बार में छक्के पड़ेंगे, छक्के 8-10 से सब कुछ होगा यहां पर। आ जाओ भाई अभी गोल्फ की बॉल आप यहां से ले लो। मैं एक बार ही खरीद चुका हूं भाई, एक बॉल मेरे से दो बार ही खरीदवा रही है क्या ये? तो मैंने ले, ये तो ये नींबू दे दिया मेरे को इसने गोल्फ के बदले में। ये नींबू नहीं है, ये बॉल है भाई, खतरनाक बॉल है। तो जल्दी से यहां पर रख दो। ओके रेडी हो जा, रेडी हो ना। और लेट्स गो। मैं पप तेरी तो कहां चला गया बॉल? चलिए मैं $5 और नहीं खर्चने बॉल लेने के लिए, पता ना तेरे को। एक मिनट मैं फिर से बॉल को लेके आता हूं। गई पानी के अंदर वो यार, वो बॉल ही तूने घुमा दी। अरे वो रही वो रही वो रही। ओके मैं फिर से आ रहा हूं। और एक काम करते हैं, मैंने सोने का क्लब तो यहीं पे छोड़ दिया, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। अच्छा अभी मेरी बारी है, सीधा पानी के अंदर बॉल जाके सीधा 8 मारूंगा। 8 अरे 8 नहीं मारना है। ओके अभी अभी यहां पर आता है चूज द रॉन्ग तेरी, यहां पर भाई यहां पर खतरनाक लेवल था। चूज द रॉन्ग होल, 3 छेद पड़े फिर भी राइट नहीं कर पा रहे। चल चूज द रॉन्ग होल हो गया ये अपना। तो ये गाइस हम कितनी मेहनत करके वो सोने की चाबी लेकर आए थे, एक बार तो हमने फेल भी कर दिया था, और यहां पर आए और गाइस हमने
गोल्फ की गेम ही छोड़ दी। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय।